ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार बाबा की 25 तारीख की वाणी है। आज अव्यक्त बाप दादा का मिलन भी है। बाबा भी आ रहे हैं आज शाम में, तो सभी को आना है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, कल भी जैसे बाबा ने ज्यादातर याद के लिए कहा कि हम याद करें, हमारी शक्ति भी जमा होगी, है ना, योग बल भी हो। बाबा ने यही कर सकते हैं। सूरज भाई आत्मा वो भी यहाँ पर लाइव होगा कि नहीं ना? सभी नहीं होगा, होगा ऐसे तो 6:30 बजे के, 6:30 बजे भोग लगता है, उसके बाद बाबा मिलन होता है। बाबा की मुरली चलती है, फिर 8 बजे 8:15 बजे तक बाबा जाते हैं। 5 बजे सूरज भाई का क्लास होता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं जितना हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम हमारे विकर्म भी विनाश होंगे, और विकर्म विनाश होगा तो बाबा कहते हैं कि हम विकर्मा जीत बन जाएंगे, इससे हमारे अंदर बल आ जाएगा। तो आज भी बाबा विशेष कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा कहते तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। कौन सी सेवा करते रहेंगे जो खुदाई खिदमतगार बच्चे होंगे। और बाबा ने कहा कि कौन सा ऐसा ख्याल आता है जो हम पुरुषार्थ में गिर पड़ते हैं। ये आता है ना, जैसे आदमी मैंने को ये सोचते हैं कि बाबा ने कहा है ना, एक बार हमारे यहाँ आ गए तो उसको स्वर्ग में जरूर मैंने स्थान मिलेगा। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो यहाँ आए गए, अब जो कुछ ना कुछ तो स्थान मिलेगा ही, तो ये गिरने का मैंने प्रतीक हो जाता है। मैंने जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उतना उच्च पद मिलेगा। और बाबा कहते उत्तर में, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। उसका आवाज भी कम है। परंतु मौत का नियम थोड़ी है, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसा मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, इसलिए ऐसा मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं,
पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, मना उन्नति कर लेंगे पुरुषार्थ करके। यह ख्याल और ही गिरा देगा, यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, हो सकता है कोई कस्टमर मन आ गया मान लिया कुछ बात तो कैसे कंटिन्यू याद रहे। बाबा कहते जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खिदमत, रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खिदमतगार, रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे, रूहों को सेल्वेज, रूहों को सेल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। बाबा कहते पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। ओम शांति। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है, कल बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो भी देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी, यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते उनसे ऊंचा कोई तो है नहीं। झाड़ सृष्टि का झाड़, सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, जिसके आदि मध अंत का राज बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है ना। बाबा कहते अभी वो नहीं है, देवी देवता धर्म तो अभी रहा ही नहीं है, अभी फिर से वो बीज लग रहा है। देवताओं के चित्र जरूर है यह तो भारतवासी जानते हैं, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते भल शास्त्रों में यह भूल कर दी है कि जो कृष्ण द्वापर में ले गए हैं, बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं, है ना। बाबा कहते जैसे जो शास्त्र में है बताए तो ये तो भूले से लिख, भूल से लोगों तो पता नहीं है, भूल से ही किए हैं, तो बाबा ही आकर के फिर उस भूल जो भूल गए हैं वो रास्ता को सही बताते हैं। रास्ता बताने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं, इसलिए उसको कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। रचता एक ही होता है सृष्टि के
बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मदन का, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, 5000 वर्ष के बाद बाबा कहते हैं वही रिपीट होता है, वह रिपीट होती रहती है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश भी होगा। अब बाबा कहते सतयुग आएगा तो कलयुग भी तो अवश्य आना है। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना होती नहीं है, बाबा कहते सतयुग में तो स्थापना होती नहीं, होगा तो संगम पर ही। भगवान आएंगे तब तब, भगवान आएंगे ही जब तब पतित दुनिया, सतयुग है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने वाला भगवान को आना पड़ता है। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। बाबा कहते अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं, देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाबा कहते कोई एक तो पतित पावन है ना, जो आकर पतित से पावन बनाते हैं। भक्तों को भक्ति का फल देने वाला एक ही भगवान है। बाबा कहते भक्ति भक्तों को ज्ञान भी देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर तो एक ही है और ज्ञान सागर ही आते हैं। पावन बनाने के लिए, पावन बनते हो किससे? बाबा योग से। बाबा कहते पावन बनते हो योग से। बाप बेगर तो कोई पावन बना ना सके, ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं। औरों को समझाने के लिए घर घर में संदेश देना है। क्या कह रहे बाबा? कि घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है। अब बाबा समझाने की भी युक्ति बता रहे। किसी की कई कह देते हैं ना कि चलो चलो भगवान आया, भगवान बुलाने के लिए भेजा आप लोगों को, तो कई लोग नहीं समझेंगे कि ये लोग झूठ भी बोलते हैं। हाँ, किसी की दुनिया में तो अभी किसी को पता नहीं है ना कि भगवान आ रहे हैं। तो बाबा भी कहते ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आए हैं। बड़ी युक्ति से समझाना होता है। अब युक्ति कौन सी होगी, कैसे युक्ति से समझाएंगे, वो भी बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते बोलो वह बाप है ना, एक है अलौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सुख धाम, बाबा कहते सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्यूरिटी पीस प्रस्पति भी थी। बाप का वर्षा मिल गया फिर पुकारते क्यों हैं? है ना, बाबा से वर्षा मिल गया तो फिर तो पुकारने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा जानती है हमको सुख है, या तो कोई भी नहीं कहेंगे कि वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है, यह बना बनाया खेल है। जिसका पार्ट पिछाड़ी में है, दो चार जन्म लेते हैं वह जरूर बाकी समय शांति धाम में रहेंगे, बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएंगे। यह नहीं हो सकता है, खेल में तो सबको आना होगा, है ना। बाबा कहते अब ये जो 5000 वर्ष का ड्रामा है, अब इसमें जो शांति धाम में जाएंगे और बाकी बार जो सारी आत्माएं परम धाम में रहेगी, तो बाबा कहते ये भी ये पार्ट अनुदा हुआ है उसमें, और ये भी फिक्स है ना, उतना समय उसका पार्ट वहां है तो वो वहां बजाएगी, और हमारा पार्ट जहाँ है बाबा कहते वहां तुम बजाओगे, लेकिन ये ड्रामा तो चेंज नहीं हो सकता है। बाबा कहते
एक दो जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंचा पाठ मिला हुआ है और कोई को कम। बाबा कहते यह भी अभी तुम जानते हो, गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकता है, बाप ही आकर अंत देते हैं, है ना। रचता और रचना के आदि मद अंत का, जब तक रचता खुदा ने, बाबा कहते जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना के रचना को जान नहीं सकते हैं। बाप ही आकर बताते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वह अपने जन्मों को नहीं जानता है, उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं, है ना। बाबा कहते हैं कि जिसके शरीर में आते हैं उसको बाबा बैठ करके उसकी सारी 84 जन्मों की हिस्ट्री सुनाते हैं। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकता है, एक बार जो बच गया बाबा कहते कोई भी चेंज नहीं हो सकता, यह बना बनाया खेल है, यह भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी पहला बाबा कहते वो, बाबा कहते 7 दिन से, हाँ 7 रोज की भट्टी, बाबा कहते भगत भागवत आदि में भी 7 दिन रखते हैं ना, 14 दिन 7 दिन कराते हैं ना। तो बाबा कहते यहाँ भी समझाया जाता है कम से कम ये 7 दिन जो होता है ये मुख्य है, आप मेन पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं, डिटेल तो मुरली है लेकिन ये जो 7 दिन है ये मुख्य है। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं ना कि 7 रोज की जो ये क्लास है ये जरूर करना है, तब बाबा कहते बुद्धि में बैठेगा। कोई तो 7 रोज समझ कर भी कुछ नहीं समझते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है, कह देते हैं हम तो 7 रोज आए हमारी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। ऊंचा पद पाना नहीं प्रजा तो ऐसे नहीं बनती है, बाकी राज्य भाग लेने उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते बाप हाँ अब करो ना करो परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। बाबा सब श्रीमत दे रहे हैं फिर बच्चों से कह रहे बच्चे करे ना करे ये बच्चों के ऊपर है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो बार बार हमें अच्छा लगता है तो उसको हम कितने बार याद कर लेते हैं, वैसे बाबा भी कितना प्यारा है, तो हम बाबा को जितना याद करेंगे उतना बाबा की तरफ हमारी बुद्धि जाएगी। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी गाते थे पतित पावन आओ, अब वह मिला हुआ है, कहते मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती है। बाबा से स्वर्ग की बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती है, उसके लिए तो कितना मेहनत है, कुछ तो मेहनत होगी ना, याद में ही नहीं याद में ही मेहनत है,
ज्ञान सुनना सहज है ना, धारणा करने में भी कईयों को मेहनत लगती है, सेवा करना भी सहज है, लेकिन बाबा कहते याद में ही मेहनत है। जो हम चाहे कि कंटिन्यू बाबा को याद कर सके, वो याद नहीं हो पाती है। याद में, याद और धारणा में, धारणा करने में भी सब, धारणा में भी सब नहीं कर पाते हैं। बाबा कहते हैं कुछ तो मेहनत होगी ना, याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। पूरा याद ना करने से विकर्म विनाश नहीं होगा। कि वो भी क्या किए, पुरुषार्थ किए ना, वो भी पुरुषार्थ किए और आगे गए। बाबा कहते योग बल से, हाँ, लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्रता थी ही नहीं, कोई पवित्र थे ही नहीं, है ना। बाबा कहते कुछ तो था ही नहीं। इसमें तो साफ है, यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। क्या कह रहे बाबा, यह गीता का ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। कल पहले जैसे रिपीट हुआ था, अभी फिर से वो एपिसोड रिपीट हो रहा है। भगवान उवाच, किसने कहा, शिव बाबा ने। भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र है वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा कहते भारत के जो भी शास्त्र है वह भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसी को पता ही नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, है ना। जिसको बाबा ने कहा और जिन्हों को वो पद मिल गया तो वो 21 जन्म की प्राप्ति कर लिए। और बाबा कहते कि 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो गया। तुम भी चक्र लगाकर आए हो, कल्प कल्प जिन्होंने सुना था वही आएंगे, है ना। बाबा कहते कल्प पहले जितने सुने थे, जिस समय पे सुने थे, वही आएंगे। तुम अभी जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का, यह है देवी झाड़ का सैपलिंग। वे लोग तो उनको झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगता है, लगता ही रहता है। बाप आ करके कंट्रास्ट बताते हैं, बाप दिखाते हो ना कौरव, तुम भी दिखाते हो ना कौरव, क्या कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, उनके, बाबा कहते उनके क्या प्लान बने, माना पांडव क्या किया और कौरव क्या किया। तो बाबा कहते उनका क्या प्लान बना और तुम्हारा क्या प्लान बना। जैसे बाबा कहते कि कौरव विनाशकारी है ना, और पांडव, पांडव है ना। तो बाबा कहते दोनों का प्लान क्या बना। तो बाबा कहते वे अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़ती नहीं है, वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़ती नहीं है। फैमिली प्लानिंग कर जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े उसके लिए मेहनत करते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं, अनेक धर्म का विनाश हो जाए और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलिटीज थी, बाबा कहते इतनी फैमिलिटीज नहीं थी,
सिर्फ 9 लाख जनसंख्या है ना, और अभी तो देखिए कितना होगा, अभी कितना होगा, 700 करोड़ से पार। और बाबा कहते हैं सतयुग में तो 9 ही लाख होंगे। भारत में कितने फैमिली हैं? गुजरात फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली, वास्तव में भारतवासियों की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज हो गए हैं तो जरूर आपस में खिटपिट होती रहेगी, ये तो होती ही है। बाबा कहते फिर सिविल वार हो जाती है, फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, बाबा कहते उनों की भी आपस में लगती है, होते रहते ना खिटपिट। आपस में दो भाई भी नहीं मिलते हैं, पानी भी बट जाता है। आज अगर घर का बंटवारा हुआ तो पानी को भी अलग कर देते हैं। तो बाबा कहते सिख धर्म वाले भी समझेंगे, हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दे। अब होता ही है ऐसे, तो वहां पे उतना मतलब जो भी जाते सबको वो लोग देते ही है सुख, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो तो सब अपने अपने धर्म वाले करने लगेंगे। बाबा कहते रग जास्ती है तो माथा मारना पड़ता है, जब अंत होगी तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है। आपस में लड़ने लगते, बाबा कहते आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, विनाश तो होना ही है, बम्स भी ढेर बनते रहते हैं। बाबा कहते बड़ी लड़ाई तब लगती है जिसमें दो बम्स छोड़ते। बाबा कहते बड़ी लड़ाई जब लगती है जिसमें दो बम्स छोड़ते थे, कौन से बम्स? बाबा कहते दो बम्स, नहीं पता है कौन से बम्स लड़ाई में। बाबा कहते ना कि जब लड़ाई लगेगी तो दो ही बम छूटेगा, मतलब कौन जिससे दुनिया का विनाश हो तो वो कौन सा बम है? परमाणु बम। बाबा तो बताए नहीं, बाबा तो पहले भी बच्चों को बताए हैं कौन से बम होंगे, जो सारे सृष्टि का तो विनाश बम से नहीं होगा, है ना? नहीं, हम लोग का खंड रह जाएगा, क्योंकि स्थापना होगी स्वर्ग की। है, लेकिन यहाँ बम से नहीं होंगे, बम से तो बाहर देश में होंगे, यहाँ पे तो आग बारिश मना प्रकृति का ही ज्यादा प्रकोप तो ज्यादा होगा, भूकंप आएगा ताकि ये सब टूट के मने महल बने यहाँ। तो बाबा कहते अभी तो ढेर बने हैं, समझ की बात है ना, तुमको समझाना है। यह लड़ाई वही महाभारत की है, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, बड़े बड़े लोग जो भी यहाँ आते हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया जाए तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, अब बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, राजयोग है ही सतयुग का। हम किसका राज्य सुन रहे हैं? जैसे कि बाबा कहते अभी हम अपने कर्मेंद्रियों को चला रहे, है ना, अपने ऊपर राज्य कर रहे, और सतयुग में तो प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे। इसलिए बाबा कहते ये जो राजयोग है ये सतयुग के लिए है। वह देवी देवता धर्म प्राय लोप है, चित्र भी बने हैं। बाबा कहते बाप कहते हैं कल पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे। इसमें कोई भी बाबा कहते
थक जाते हैं। बाबा कहते हाँ बाबा कहते थक जाते हैं, गाते हैं ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो इसका अर्थ कोई ने बाबा कहते इसका अर्थ कोई समझ ना सके, जैसे कि दुनिया में तो सब नहीं जानते ना। तो अभी क्या है, सब जैसे लोग सफर करते हैं तो थक जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमको ये जो है कि अभी थकना नहीं, अभी क्या है कलयुग के हिसाब से रात चल रहा है और संगम युग के हिसाब से अमृत वेल है। तो बाबा कहते रात के राही थकना मन, तुम्हारी मंजिल तो समीप है। तो बाबा कहते यह है ही याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा, आधा कल पूरा हो फिर सुख बाबा कहते फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भाव का अर्थ भी समझाया है, सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है, अब कल्याण तो सबका होना ही है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। बाबा कहते सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं, है ना। अगर बाबा नहीं आते, अगर बाबा ये नॉलेज नहीं देते तो हम अपना भी तो कल्याण नहीं कर सकते, ना दूसरों का कल्याण करते। तो बाबा कहते हमको बाबा के श्रीमत के द्वारा ही हम विश्व का कल्याण करते हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे, बाबा कहते कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। अभी तुमको समझाया जाता है वह तो बेहद का बाप है, बाप से ही वर्षा मिलता, बाप से ही वर्षा मिला था, भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए, पूर्ण जन्म का भी हिसाब है, कोई पहचानते ही नहीं है कि 84 जन्म कौन लेता है, अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनते ही रहते हैं, जैसे गीता से श्लोक निकालते हैं और उसी को पढ़ लेते, कहते भगवान ने यही कहा। तो बाबा भी कहते गीता वही है, बाबा कहते टिक्किनिया अनेक लिखते हैं, माना जो बोलते हैं ना कि जो छोटी छोटी बातें होती है वो बहुत सारे लिखी हुई है और उसी को पकड़ करके बैठ जाते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा, बाबा कहते गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है, गीता में ज्ञान है और उस ज्ञान को अच्छी रीति समझना है कि क्या कहा गया है, लेकिन आज लोग समझते नहीं है, गीता पढ़ लेते हैं लेकिन गीता में जो बात लिखी हुई है वही तो बाबा अभी सच सच करके सब बता रहे, कि जो सच है वो बाबा बता रहे लेकिन जो पढ़ते वो सच नहीं समझते हैं। भागवत में है जीवन कहानी और गीता में है सच्चा सार। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए, ज्ञान सागर बाप है, उसका ज्ञान तो चलता ही रहता है, वही गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो, ये ज्ञान तो खत्म ही नहीं होगा, है ना। दिन प्रतिदिन, बाबा कहते दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे, अभी ही आकर बड़े, बाबा कहते अभी ही आकर बड़ी बड़ी राजाएं भी आ जाएंगे, फिर तो देर, बाबा कहते फिर देरी ना लग जाए, झट आवाज भी निकल जाएगा, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान, जैसे बाबा ने कहा ना कि कई लोग है गीता आधे घंटे में पढ़ के ही समाप्त कर देते, लेकिन बाबा कहते बाबा तो भी गीता का सच्चा सार बता रहे और गीता की हर एक पॉइंट, है ना, जो बाबा हम बच्चों को बता रहे, तो बाबा कहते ये तो फिर खत्म होने वाला नहीं है।
इसलिए बाबा कहते ये जो ज्ञान है ये क्या है, गुप्त है, और ये बाबा जैसे सुना रहे किसी को पता नहीं है। तो बाबा भी कहते कि झट आवाज निकल जाएगा, लास्ट में क्या होगा, सबको पता पड़ेगा कि भगवान इस धरा पर आया है और गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा भी कहते कि जो अभी अभी के बड़े बड़े राजा हैं वो भी फिर आने में देरी नहीं करेंगे। बाबा कहते यह क्या कर रहे हैं, रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसा है और कोई जान न सके। भगवान उवाच, तुम सतोप्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएं। मित्र बनो तब तो साथ में ले जाऊंगा ना, अब पवित्र नहीं बनेंगे तो साथ कैसे ले जाएंगे। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, बाबा आई ही है सबको जीवन मुक्ति देने के लिए और साथ ले जाने के लिए। बाबा कहते रावण राज से मुक्ति हो जाएगी, तुम लिखते भी हो हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक, 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब बुद्धि में बिठाना चाहिए मुख्य मुख्य पॉइंट, बुद्धि में धारणा हो धारण होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, बाबा कहते कि पत्थर बुद्धि है ना, कोई तो समझते ही नहीं है, कोई तो समझते हैं और अभी भी टाइम पड़ा है ना। बाबा के ज्ञान को भी समझने में बाबा कहते कई तो समझ जाते और कई तो समझते नहीं है, तो भी बाबा कहते अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। क्या कहते हैं कि पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, वो तो कभी भी आ जाएगा, कल मर जाएंगे तो कल कल करते मर जाएंगे, पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए ऐसा मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पुरुषार्थ तो करना ही है। पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, अब जो सोचे कि पिछाड़ी में हम गैलप कर लेंगे धीरे धीरे हो जाएगा, तो आज उसकी भी उन्नति कुछ भी नहीं है, खाली वो बैठे हुए हैं मुरली सुनते योग करते, योग लगता नहीं है, बस बाबा के सामने जाके बैठ जा रहे, तो गैलप क्या कर रहे, उन्नति तो कुछ भी नहीं हो रही। तो बाबा भी कहते हैं कि हम पुरुषार्थ अभी से ही जितना करेंगे तो लास्ट में उन्नति और अधिक हो जाएगी। बाबा कहते यह ख्याल आया और ही गिरा देगा, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है बाबा कि कितना बाप को याद करता हूं और कितना बाप की सर्विस करता हूं, ये दोनों चीज का बाबा आज कह रहे कि अपना काउंटिंग करके लिखने के लिए। बाबा कहते तो बाबा भी कह रहे कि रूहानी खुदाई खिदमत तुम होना, बाबा कहते रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम होना, तुम रूहों को सेल्विस करता हूं, रूह पतित से पावन कैसे बने,
उसकी युक्ति बताते हैं। दुनिया में अच्छे व बुरे मनुष्य होते ही हैं। हर एक का पाठ अपना अपना है, यह है बेहद की बातें। मुख्य है टाल टालियां ही गिनी जाती है, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। तो बाबा कहते, बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाएगा। बाप सब बच्चों को कहते हैं, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह यज्ञ, बाबा कहते, यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है। बाकी बाबा कहते, यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया जरूर चाहिए। बाबा कहते, हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे, है ना। जब बाबा का यज्ञ पूरा हो जाएगा, संगम योग पूरा हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं कि अभी तो हम अपनी कमी कमजोरी को स्वाहा कर रहे, लेकिन उस समय सभी बाबा कहते हैं कि इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे, बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, यह बना बनाया ड्रामा है। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। जैसे कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो पहले हम बाबा को भूल जाते ना, बाबा ही बुद्धि से निकल जाता है। तो बाबा कहते, कोई भी विघ्न आए, परिस्थिति आए, याद की यात्रा को नहीं भूल जाना है। उस टाइम मैंने जैसे कोई परिस्थिति पेपर आता है, उस टाइम तुरंत बाबा को याद करना। इसलिए बाबा कहते, विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। दूसरी पॉइंट, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है। आज का वरदान है, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले,
सहज योगी भव। करने वाले सहज योगी भव। डिटेल, जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाप का भी इतना सहयोग उन्हें बाप का भी सहयोग देते हैं। माने जैसे बाबा भी उनको इतना सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वह बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। बाबा कहते, क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी अतींद्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। तो सहज योगी बन अतींद्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो, तो बाप का परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। दिल व दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। ठीक है, लिख लिए।
आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम याद में रहने का, बाबा कहते तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ते हैं, गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसा मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, या ख्याल ही और ही गिरा देगा। बाबा कहते रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करना है, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।
के उस पार हो नीले अंबर।